क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ डिफरेंशिएशन. द डायग्राम शोज द कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस. एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन नेगेटिव पाई बाय 2 एंड पॉजिटिव पाई बाय 2. This is a curve. These are the parametric equations. X is equal to tan theta, y is equal to cos square theta. Show that the gradient of the curve at the point with parameter theta is माइनस टू साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा. हमने ग्रेडियंट शो करना है, कर्व का ग्रेडियंट जो है वो माइनस टू साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा है. पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन. नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड differentiate this equation with respect to theta, then we will use chain rule to find the gradient of the curve. X is equal to tan theta, differentiate karte hain, differentiating with respect to x we get dx over d theta is equal to differentiation of tan theta hota hai secant square theta. सीकेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा. इसी तरह वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी वाई ओवर डी थीटा जो है ये टू जो है पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर एक वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो इसको लिखेंगे टू टू कॉस थीटा इंटू, अब हमने पावर के बगैर कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन थीटा होता है उसे मल्टीप्लाई कर देना है. तो दिस बिकम्स माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा. This is dx over d theta, this is dy over d theta. Now we will use chain rule. Chain rule is dy over dx जो होता है वो होता है dy over d theta into d theta over dx. Now dy over d theta जो है वो ये है हमारे पास dx over d theta is secant square theta. तो यहाँ पे हम put कर देंगे तो dy over dx हमारे पास आ जाएगा. So dy over dx will be dy over d theta is minus 2 sin theta cos theta. अब into d theta over dx है तो यहाँ पे हमने find किया हुआ dx over d theta, तो इसको ये denominator में आ जाएगा फिर secant square theta, क्योंकि reciprocal of dx over d theta is d theta over dx. तो जो डिनोमिनेटर में आएगा secant square theta. अब secant square theta जो होता है ये होता है 1 over cos square. दिस बिकम्स माइनस टू साइन थीटा cos theta over 1 over cos square theta. ये cos square theta जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा ये आ जाएगा. तो ये हमने शो कर दिया है, ये शो करना था माइनस टू साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये था ग्रेडियंट ऑफ द कर्व.
ये शो हो गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पी। ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम है। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी आप कर्व पे देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट पी। ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेडियंट की। तो हमने फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमने इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये देखें यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमने ये पॉइंट फाइंड करना है। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो डी वाई और डी एक्स ग्रेडियंट हमने लिया है इसको फंक्शन ले लेते हैं। डी वाई और डी एक्स ग्रेडियंट एक्सप्रेशन है ये, तो हम इसको ग्रेडियंट एक्सप्रेशन जो है ये इटसेल्फ एक फंक्शन ही होता है। तो ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम इसको वाई सपोज कर लेते हैं ग्रेडियंट को, जो कि ग्रेडियंट भी इटसेल्फ एक फंक्शन होता है। तो सो y इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं, तो जो ग्रेडियंट अभी आया है इसको हम y सपोज कर लिया है, y इज इक्वल टू माइनस टू साइन थीटा कोस क्यूब थीटा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हम ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पी की, एक्स ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू एट पी है और वो हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको जीरो पुट करेंगे, क्योंकि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होती है। तो सो डी वाई और डी थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ये फार्मूला यूज होगा। y इज इक्वल टू यू इंटू वी डी वाई और डी एक्स यू वी डैश प्लस वी यू डैश। याद रखें कि ये u और v दो फंक्शन ऑफ x हैं, तो फिर डी वाई डी एक्स का ये प्रोडक्ट टूल कहलाता है। ये हम इसको ये फार्मूला यूज करेंगे, इसे प्रोडक्ट टूल कहते हैं। तो यहाँ पे दिस इज u दिस इज v, तो सो माइनस टू जो है एज ए मल्टीपल आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या आएगा हमारे पास, माइनस टू रिमेन्स एज सच, डी वाई ओवर डी थीटा माइनस टू रिमेन्स एज सच, साइन थीटा को हम डी वाई ओवर डी थीटा माइनस टू इंटू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टूल यूज हो गया, हो जाएगा साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ कोस क्यूब थीटा पावर स्टार्ट में थ्री कॉस स्केयर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। दोबारा इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना है, विच इज दिस नो प्लस कॉस क्यूब को ऐसा लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विल बी कॉस थीटा।
अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, दिस बिकम्स माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बन जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब इस -2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो दिस बिकम्स 6 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2 cos 4 थीटा। तो दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट, ये हमारे पास आ गया है। और ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम डी वाई और डी एक्स को 0 पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स 0 फॉर मैक्सिमम। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू और एट द पॉइंट पी, ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी डी वाई ओवर डी थीटा विल बी 0। दिस शोज दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो 6 sin² थीटा cos² थीटा -2 cos 4 थीटा विल बी 0। फ्रॉम हेयर वी कैन टेक कॉमन 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा इज कॉमन, विद इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा 3 sin² थीटा -cos² थीटा इज इक्वल टू 0। दिस मीन दैट आइदर 2 cos² 0 और 3 sin² -cos² इज इक्वल टू 0। 2 cos² थीटा 0, cos² थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos θ इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0, दैट इज पाई बाय 2। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? यहां पे देख रहे हैं आप कि जो इंटरवल दिया हुआ है उनमें ये इंक्लूसिव नहीं है, पाई बाय यहां इक्वल का साइन नहीं है, तो सो दिस इज नॉट वैलिड। तो अब हम इसको 0 पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स 3 sin² थीटा -cos² थीटा इज इक्वल टू 0। 3 sin² थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग cos² थीटा जो है यहां पे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और 3 जो है राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस बिकम्स 10 sin² थीटा ओवर cos² थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो 10 sin² थीटा इज इक्वल टू 1/3, टेकिंग स्केयर रूट ईच साइड वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ 10 थीटा प्लस माइनस 1/√3। दिस मीन्स दैट 10 थीटा पॉजिटिव 1/√3 भी हो सकता है, और 10 थीटा जो है नेगेटिव 1/√3 भी हो सकता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब देख रहे हैं कि ये स्टार्ट में देखें आप, एक्स जो है वो 10 थीटा के इक्वल है, 10 थीटा के इक्वल है एक्स। तो दिस मीन दैट एक्स जो है 10 थीटा को हम एक्स पुट कर लेंगे, ये एक्स की वैल्यूज आएंगे। तो सो फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू 1/√3, और फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू -1/√3। अब हमारे पास 2 वैल्यूज ऑफ एक्स आई है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब हमने देखना है
कि पॉइंट पी के लिए कौन सी वैल्यू वैलिड है। सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन द नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी टू फाइंड पी। पी की पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पी लाइज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सो फाइनली वी जस्टिफाई इट दैट फाइनल आंसर इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी -1/√3। दिस इज द फाइनल आंसर।